आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। मशरख थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव सुजाता देवी पति स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद के पुत्र शराब पीकर अपनी वृद्ध मां के साथ मारपीट की। सुजाता देवी ने बताया कि शराबबंदी के बावजूद भी आए दिन शराब पीकर बुजुर्गों पर उनके ही पुत्र नशे में मां और घर के और सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार करना, गाली गलौज करना आम बात हो गई है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कहां से शराब आती है ये सब बातें सारे लोग जानते हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। मगर कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं करता है। भरसा किसे बढ़ावा ही दे रहे हैं। हमारी दशा देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि पुत्र जन्म देने से जो बुढ़ापे में सुख की आशा की थी वह सब बालू की रेत की तरह ढहकर धूमिल हो गई। आज जो मेरे साथ हुआ वह किसी बड़े बुजुर्ग के साथ ना हो, यही भगवान से कामना करती हूँ। और मुझे मारने वाले पुत्र मुकेश के विरुद्ध थाने में आवेदन दे रही हूँ और न्याय की गुहार लगाई है। घायल वृद्ध महिला का इलाज मशरक पीएचसी में करके छपरा रेफर कर दिया गया है। मशरक से हरि किशोर सिंह की रिपोर्ट। जो पी के आवेलन तो वही जो वही तो वही जाके हमारा के बस हमारे पर गाड़ी देवे लगी है और फिर दो हमारे मारे लगी है, झोटा धरे लगी है, झोटा लसारे लगी है, हाथ को छटकावे लगी है। कौन मतलब दो से आके चर्च से मारे लगी है, ये कौन मतलब था के मारा लगे हमारे बेटा वे बेटवे है, छोटका बेटा। हाँ छोटका बेटा जन्मी। अपन नाम का पड़ी हमारा सुखिया देवी।